नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो है राशि चक्र की 10वीं राशि, पृथ्वी तत्व की राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2020 का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में। तो आपको बता दें कि ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि आधारित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र 10 नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी राशि मकर है और ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। कोई भी साल के अंदर 14 जनवरी से लेके 14 फरवरी के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य भी आपके मकर राशि में है तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों मकर राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह शनि ग्रह की ट्रांजिट। तो शनि ग्रह का जो भ्रमण है वो आपकी राशि के अंदर है, जिसके कारण क्या होगा कि आपके जो हर कार्य हैं ये विलंब से होंगे, क्योंकि शनि स्लो मोशन में चलने वाले ग्रह हैं, धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। तो हर कार्य विलंब से करवाएंगे आपके। साथ साथ आपको क्या केयर करना होगा, आपको केयर करना होगा रिलेशन में अपने ब्रदर सिस्टर्स एवं नेबर्स के साथ, विवाहित जातकों को अपने पार्टनर के साथ, और जो भी जातक जॉब कर रहे हैं इनको अपर लेवल के साथ टेंशन कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए उसका खास केयर करना होगा। क्योंकि जो तमाम उपग्रह ग्रह होते हैं इनकी दृष्टि शुभ नहीं मानी जाती है, तो ये सब जगह पे आपको केयर करना होगा। और इसके अलावा बात करेंगे प्रेडिक्शन के अंदर सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में। ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह का ट्रांजिट आपके लिए क्या कहता है, क्योंकि सूर्य के कारण ही पृथ्वी के ऊपर जनजीवन का अस्तित्व है। आपका हमारा पृथ्वी के ऊपर तमाम जितने जीव हैं, सजीव हैं, ये सब सूर्य के कारण हैं। तो सूर्य हमारे पितृ कारक है, सूर्य हमारे पिता कारक हैं। तो सूर्य ग्रह का ट्रांजिट क्या कहता है आपके लिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सूर्य आपकी राशि से 6वें स्थान के अंदर चल रहे हैं, बुध और राहु के साथ चल रहे हैं, जो कि एक प्रकार से आपके लिए बहुत शुभ है। राजयोग कारक हैं। सरकार से लाभ, पिता से लाभ, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि, ये सब तो आपके लिए अच्छा है ही है 16 जुलाई तक, क्योंकि 16 जुलाई को 10:41 को सूर्य राशि परिवर्तन करके चलेंगे कर्क राशि में, तो इसको बोलेंगे कर्क संक्रांति। अब 16 जुलाई से जुलाई के बाद जब कर्क में संक्रांति करेंगे तो मकर संक्रांति को एग्जैक्ट 6 महीने बाकी रह जाएंगे। और ये जो अभी अयन है इसको दक्षिण अयन बोलेंगे। तो पृथ्वी अब दक्षिण की ओर झुकेगी, तो वर्ल्ड वाइड क्या है कि कोल्डनेस बढ़ेगी, ठंडी बढ़ेगी। तो उसके कारण क्या होगा कि जो भी जाता कोल्ड की एलर्जी वाले हैं, कफ प्रकृति वाले हैं, ऐसे जातकों को अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना होगा, क्योंकि आने वाला समय ठंडी बढ़ने वाली है। और अभी का जो एटमॉस्फियर चल रहा है, वर्ल्ड वाइड चल रहा है, जो इसके कारण जो अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना है। 16 जुलाई 2020 को सूर्य कर्क राशि में परिवर्तन करेंगे, इसको बोलेंगे कर्क संक्रांति। सुबह 10:41 को सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो संक्रांति का जो पुण्यकाल रहेगा वो सूर्योदय से लेकर 10:41 तक रहेगा। इस समय के अंदर आपको महत्तम दान पुण्य मंत्र जो भी करना है आप कर सकते हैं। सूर्योदय से लेकर 10:41 के बीच में किए गए मंत्र दान आपको महत्तम शुभ फल देने वाले होंगे। तो ये 16 जुलाई के बाद सूर्य का फल क्या होगा, सप्तम स्थान के अंदर जो दाम्पत्य जीवन के अंदर सप्तम स्थान में सूर्य होंगे ये शुभ फल देने वाले नहीं होंगे, खास करके रिलेशन में आपके पार्टनर के साथ आपको तनाव आ सकता है। तो विवाहित जो जातक है इनको अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में केयर करना होगा। और यदि बिजनेस में भी पार्टनरशिप है तो आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना आ जाए उसका खास केयर करना होगा। अब बुध ग्रह का जो भ्रमण है ये क्या कहता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के कारक ग्रह जो बुध है, बिजनेस स्ट्रेटेजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंसल्टेशन, ये सब के कारक ग्रह जो हैं ये बुध माने गए हैं। अब बुध का जो भ्रमण है
ये मिथुन राशि में हैं। मिथुन राशि में बुध वक्री हैं, जो वक्री हो चुके हैं 18 जून से जो 12 जुलाई तक वक्री रहने वाले हैं, और ये बुध का जो भ्रमण है ये 26 जुलाई तक आद्रा नक्षत्र में हैं। तो आद्रा नक्षत्र में जो ये भ्रमण है बुध का, खास करके मकर राशि के अंदर जो कोई भी जातक का जन्म श्रवणा नक्षत्र में हुआ है, इनके लिए शुभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक तो ये विपत नक्षत्र है, इसके साथ साथ जो योनि है ये शत्रु योनि है, क्योंकि आद्रा की जो योनि है ये श्वान योनि है। जब श्वान माने कुत्ता, और जो सूर्य श्रवण नक्षत्र में है इनकी योनि वानर योनि, ये दोनों कट्टर शत्रु हैं। तो 26 जुलाई तक जो आद्रा नक्षत्र में चलने वाले बुध हैं, जिसके कारण ये जिनका जन्म का सूर्य या तो चंद्र श्रवण नक्षत्र में है, ये जातक कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, और ऐसी परिस्थिति में आप गलत डिसीजन भी ले सकते हो, कम्युनिकेशन में कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, साथ में काम करने वाले सहकर्मचारी गण भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, मामा मौसी की ओर से भी कोई तनाव आ सकता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के कार्य जो कार्य करने वाले हैं इनके लिए भी कुछ तनाव आ सकता है, कंसल्टेंसी के कार्य में तनाव आ सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो श्रवणा में जिनका जन्म हुआ है चंद्र का नक्षत्र हो या तो सूर्य का नक्षत्र हो, ये जातकों को 26 जुलाई तक का समय एकदम केयरफुली साइलेंटली पास करना होगा। तो ये ट्रांजिट जो है वो मकर घनिष्ठा के लिए एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाला भी होगा, क्योंकि आपके लिए जो बुध हैं वो आद्रा में संपत नक्षत्र में चलेंगे, और जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा में है इनके लिए एक सैम तारा के अंदर होंगे, तो आपके लिए मध्यम फलदायी है, ना ज़्यादा शुभ ना ज़्यादा अशुभ। तो फिर भी सबसे ज़्यादा अच्छा फल है वो मकर घनिष्ठा वाले को मिलने वाला है, क्योंकि जो आद्रा नक्षत्र है ये घनिष्ठा नक्षत्र में, मकर घनिष्ठा के अंदर जो घनिष्ठा का प्रथम द्वितीय चरण जो है वो मकर राशि में आता है। राहु का नक्षत्र मृगशिरा है, जो कि रोग शत्रु पर विजय देने वाले हैं। केतु 12वें स्थान के अंदर आपके मूला नक्षत्र में चल रहे हैं, गुरु उत्तराषाढ़ा में हैं, और ये ट्रांजिट आपके लिए मकान वाहन प्रॉपर्टी के इत्यादि के कार्य करवाने वाली होगी। जो कोई भी जब तक पढ़ाई कर रहे हैं इनके पढ़ाई के लिए भी ठीक है, और आयुष्य बल में वृद्धि करने वाले हैं। शुक्र जो लव मैटर के कारक ग्रह हैं वो 5वें स्थान के अंदर हैं, तो प्रणय संबंधों में सफलता देने वाले होंगे, संतान रिलेटेड आपके कार्य हो सकते हैं। तो ये जो मंथ है आपके लिए एक्सट्रीमली शुभ मंथ माना जाएगा बिजनेस कैरियर के रिगार्डिंग। कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ ना हो उसका खास केयर करना, क्योंकि 6ठा स्थान जो है वो खाड़ा का स्थान माना गया है, और खाड़े के स्थान के अंदर कम्युनिकेशन में गड़बड़ होने की संभावना रहती है। तो कौन कौन से डेट्स आपको ज़्यादा टेक केयर करना होगा इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार हैं, 13, 14 और 15, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मेष राशि में। तो मेष के चंद्र 4थे स्थान के चंद्र बनते हैं, अननेसेसरी टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट करवा देंगे, और रिलेशन में खास करके माता पिता, जॉब में अपर लेवल, विवाहित जो जातक हैं इनको अपने इन लॉज के साथ कुछ ज़्यादा ही केयर करना होगा। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करने का आता है तो बहुत जल्दबाजी में इस समय में कार्य ना करें, 13, 14, 15। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 22, 23 और 24, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे सिंह राशि में। तो सिंह के चंद्र जो हैं वो राशि से 8वें स्थान के चंद्र बनते हैं, 8वें चंद्र के अंदर भी आपको पानी से बचना होगा, व्हीकल ड्राइव में केयर करना होगा, नदी संबंधित तालाब किनारे आप घूमने जाते हो तो पानी में अंदर ज़्यादा ना उतरे, और पारिवारिक मामलों में केयर करें, फाइनेंशियल मैटर के अंदर केयर करें, ये सब जगह पे आप केयर करें। कुल मिला के क्या कहेंगे इस मंथ के अंदर, जो आने वाला समय आपका शुभ है, लेकिन जो 16 जुलाई के बाद सूर्य जो है वो आपके शनि के सामने चलेंगे। तो जो कोई भी जातक पब्लिक लाइफ के अंदर होंगे, जैसे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में रहने वाले जो हैं जातक, या तो पब्लिक्स डीलिंग में कोई भी प्रकार का कार्य करने वाले हैं, तो ऐसे जातकों को थोड़ी कंट्रोवर्सी का
सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सप्तम स्थान में आपके सूर्य शनि का अशुभ योग बन रहा है। इसके इफेक्ट के अंदर खास करके 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का जो समय है, विवाहित जातकों को दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ कुछ ज़्यादा ही केयर करना होगा। साथ साथ बिजनेस में भी जिसको भी पार्टनरशिप है, इनके लिए भी ये समय शुभ, 16 जुलाई के बाद का समय शुभ नहीं होगा। तो ये समय जो आने वाला समय है आपके लिए एकदम शांति से पास करना होगा, क्योंकि 16 जुलाई के बाद 16 अगस्त तक सूर्य कर्क में चलेंगे, उसके बाद आपके अष्टम स्थान में चलेंगे, तो आठवें स्थान में एक महीना चलेंगे। ये टाइम भी आपके लिए ठीक नहीं होगा पारिवारिक मामलों को लेकर, गवर्नमेंट मैटर को लेकर। तो आने वाला 16 जुलाई के बाद जो डेढ़ महीना है आपके लिए, आपकी हेल्थ, गवर्नमेंट मैटर, ये सब जगह पे कर पारिवारिक समस्या क्रिएट ना हो जाए, इसका केयर करना होगा। इसके साथ साथ फाइनेंशियल मैटर में भी केयर करना होगा। तो ये आपका मकर राशि का प्रेडिक्शन है। यदि आपके लिए आपके कोई मित्र हैं जिनका जन्म 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में हुआ है, तो वीडियो आप उनको जरूर शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाना ना भूलें। और यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो एक क्वेश्चन आप एब्सोल्युटली फ्री में पूछ सकते हो। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आपके नाम के साथ व्हाट्सएप कर दें। और यदि आप अपना हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए ऐसा कह के व्हाट्सएप कर दें। तो मिलेंगे जल्दी नए वीडियो में। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी शुभकामना के साथ मिलेंगे जल्दी नए वीडियो में। जय गणेश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।